मुस्लिम और हिंदुओं का एक दूसरे के धर्म स्थलों पर जाना भारत में आम है, लेकिन एक परिवार का एक ही समय पर दोनों मजहबों के देवताओं को एक साथ पूजना और पूरे धार्मिक अनुष्ठानों को विधिवत तरीके से निभाना जबलपुर के दादा दरबार की खासियत है। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर की एक ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जो आज के दौर में एक मिसाल है। यहाँ के गढ़ा शाही नाका क्षेत्र में रहता है कोष्टा परिवार, जहाँ नवरात्र और मुहर्रम साथ साथ मनाए जाते हैं। लगभग 100 साल से चली आ रही इस परंपरा को इस परिवार ने ही नहीं पूरे शहर ने आत्मसात किया है। कोष्टा परिवार के घर में स्थित देवालय में एक तरफ माँ दुर्गा विराजमान है तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन और अजमेर वाली ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला है। दादा दरबार के संरक्षक हीरालाल कोष्टा बताते हैं कि उनके पूर्वजों को इमाम साहिब ने स्वप्न के माध्यम से संदेश दिया था कि वे आना चाहते हैं, जिसके बाद से ये सिलसिला चल निकला। हीरालाल कोष्टा का दावा है कि हर पीढ़ी में परिवार के किसी एक सदस्य पर वे प्रकट होते हैं और उसी सदस्य पर माँ काली भी प्रकट होती हैं, यानी एक ही व्यक्ति को मुख्य तौर पर दोनों स्थानों के अनुष्ठान पूरे करने होते हैं। हर साल मुहर्रम आते ही कोष्टा परिवार ताजिए बनाता है, जिसके बाद सवारी निकाली जाती है और सभी परंपरागत चीज़ों को निभाया जाता है। इस दौरान जुलूस में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। नवरात्र के समय कोष्टा परिवार की तरफ से महाकाली की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के साथ ही पूरा सहयोग करते हैं। भंडारा प्रसाद वितरण से लेकर विसर्जन जुलूस में भी उनका पूरा योगदान होता है। कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब दोनों त्यौहार साथ साथ आते हैं, ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दादा दरबार के नाम से मशहूर इस जगह पर लोग मन्नत मांगने आते हैं और अर्जी लगाते हैं। मान्यता है कि एक बार जो यहाँ पहुंच जाता है उसकी पुकार जरूर सुनी जाती है। हीरालाल कोष्टा बताते हैं कि मुहर्रम के दौरान सबसे पहले हनुमान जी, काल भैरव और कुलदेवी का आह्वान किया जाता है। इसके बाद इमाम हुसैन साहब और अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज का आह्वान किया जाता है। हीरालाल कोष्टा कहते हैं कि ये बात ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। संस्कारधानी जबलपुर का कोष्टा परिवार मानता है कि ये मालिक यानी ऊपर वाले का ही इशारा है कि वो एक है, बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं। समय समय पर वह सर्वोच्च सत्ता ये संदेश अलग अलग तरीके से देना चाहती है और उनका परिवार भी एक माध्यम है ऊपर वाले का ये संदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए। इमाम हुसैन को हमेशा इंसाफ, बराबरी और भाईचारे के लिए याद किया जाता है। उनके यही उसूल सभी संप्रदाय के लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास जगाते हैं। आपसी प्रेम और विश्वास की ये भावनाएं साल दर साल दरबार के साथ और मजबूत हो रही हैं।